अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। ये देखें हमारे बाहर का क्लिप, इतनी प्यारी वीडियो मैंने इधर से बनाई है। ये देखें बर्ड्स और ये प्लांट्स, इस पर बहुत अच्छे फूल आए हुए थे, बाहर बादल भी आए हुए हैं। तो मैं लंच बनाने लगी थी, मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो बाहर की शेयर करती हूँ आपके साथ। लंच में मैं आज अचारी कीमा बनाऊँगी, उसके लिए मुझे ये आधा किलो कीमा लिया मैंने, टमाटर लिए हैं, अदरक कुटा हुआ लिया है, ग्रीन चिलीज़ हैं और गार्लिक है, और ये एक प्याज है बारीक चॉप किया हुआ है। उसके साथ मुझे पोटैटो भी चाहिए थोड़े से, ये ग्रीन शिमला मिर्च है, ये भी इसमें डालूंगी मैं। और ये सब ड्राई स्पाइस, इसमें बड़ी इलायची है, दालचीनी है, सूखा धनिया है और लाल मिर्च है, हल्दी है, नमक है और कुटा हुआ ज़ीरा है। तो जी चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने टमाटर और लहसुन को लेके उसका बारीक पेस्ट कर लिया है इस चॉपर में। ये मैनुअल चॉपर है, बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पे ऑयल गरम हो रहा है, उसके अंदर मैं प्याज डाल दूँगी और काफ़ी ज़्यादा गरम है जी। तो ये प्याज थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होगा तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। और जी आप बताएं, आप लोग कमेंट्स भी नहीं करते, मुझे लगता है मेरी वीडियो को भी नहीं देखते। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखा करें, इसमें बहुत मज़े की रेसिपीज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और इसको लाइक भी कीजिए जी। ये मैंने प्याज ब्राउन कर रही हूँ यहाँ। आप मेरी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और इसमें देखिए मैं अचारी स्पाइस भी यूज़ करूँगी, उसके साथ इसका टेस्ट और भी मज़े का हो जाता है। जैसे ये गोल्डन ब्राउन होगा हम इसके अंदर ये टमाटर और लहसुन का और ग्रीन चिलीज का पेस्ट डाल देंगे, फिर उसको भूनेंगे थोड़ी देर। ये देखिए ये हमारा प्याज थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो इसके अंदर ये मैंने टमाटर का पेस्ट डाल दिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैं इसमें ड्राई स्पाइस ऐड करूँगी। आप लोग बताएं, आप भी मेरे तरीके से खाना बनाते हैं या आप लोगों की रेसिपी चेंज है इसे, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताया करें, अपनी शेयरिंग ज़रूर किया करें कमेंट के अंदर जी। ये हमारा मसाला बन रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद मैं इसमें ड्राई स्पाइस ऐड करूँगी। वैसे अगर हम वैसे पानी नहीं डालेंगे तो वैसे हमारा ड्राई स्पाइस जो सब नीचे लग जाएगा, इसे थोड़ा सा पानी डाल के आप इसमें ड्राई स्पाइस डालिए, उसके बाद इसको भूनें अच्छी तरह से जी। मैं इसमें सब ड्राई स्पाइस डालूँगी लेकिन ज़ीरा नहीं डालूँगी, ज़ीरा हम थोड़ी देर के बाद डालेंगे जी। आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए मैंने ज़ीरा लेफ्ट ओवर रख लिया यहाँ पर, और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब ये अच्छी तरह से भुन जाएगा तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। आपका मसाला जितना अच्छा भुनेगा आपका सालन का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। ये एक छोटी सी टिप है, लोग मसाले को अच्छी तरह से भूनते नहीं हैं और फ़ौरन से इसमें सब्ज़ी या कुछ भी ऐड कर लेते हैं। ये देखें अचार गोश्त का मसाला मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी जी। ये हमारा मसाला भुन चुका है, ये देखें ऑयल सेपरेट हो गया है, ये आपके मसाले की निशानी है। और इसमें अब मैं मिंस डाल दूँगी, ये जी मटन का मिंस है, और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक इसका कलर नहीं चेंज होता, उतनी देर तक अब इसको भूनते रहें। और ये थोड़ा सा मैं इसमें यही अचार गोश्त का मसाला डाल रही हूँ हसब ज़रूरत, के बाद इसको अच्छी तरह से भून लेंगे हम लोग। अदरक मैंने पहले नहीं डाला इसमें, लेकिन मैं आप थोड़ी देर में इसमें डाल दूंगी, अदरक डालूंगी इसमें और जी आप लोग बताएं, आप शान के स्पाइस ज़्यादा यूज़ करते हैं या नेशनल के, दोनों में से कौन से ज़्यादा अच्छे हैं? मेरे लिहाज से तो शान के ज़्यादा अच्छे स्पाइस हैं, क्योंकि यहाँ पे नेशनल के मिलते नहीं हैं, अफ्रीका में बहुत कम मिलते हैं, शान के ही ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए मैं शान के ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ये देखिए ये मैंने अदरक इसमें डाल दिया, ये मैंने अदरक चॉप किया हुआ था, कुटा हुआ नहीं था, चॉप किया हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है कीमे में, चंक्स इसके मुँह में आते हैं। उसके बाद इसमें पोटैटो भी ऐड कर देंगे, ये मैंने 2 स्मॉल पोटैटोस लिए थे, उनको कट कर लिया अच्छी तरह से और इसमें मिक्स कर दिया। अब इन दोनों को अच्छी तरह से भूनेंगे
जी आलू डालने के बाद अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। उसके बाद मैं इसको स्टीम पे गलाऊंगी हल्का सा, ताकि आलू भी अच्छी से टेंडर हो जाएं और मीन्स भी जो उसमें थोड़ी बहुत है तो वो भी सही तरह से गल जाएगा। उसके बाद ये देखें जी, ये देखिए मैंने इसमें हल्की सी मेथी भी डाल दी है, ड्राई मेथी, उससे भी बहुत मज़े का टेस्ट आता है कीमे का। और ये मैंने जी ये ग्रीन बेल पेपर भी मैंने डाली है इसमें, इससे भी बहुत अच्छी कीमे की खुशबू भी आती है और इसमें एक तरह की सब्ज़ी भी ऐड हो जाती है, बहुत मज़े का लगता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये देखिए माशाल्लाह हमारा कीमा बहुत अच्छी तरह से भून चुका है, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट ये रेडी है। जी यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ कि पोटैटोज गल गए हैं कि नहीं, इसमें मैं थोड़ी सी हल्का सा पानी और डालूंगी, पानी डालने से आपकी ग्रेवी ज़रा अच्छी हो जाएगी। उसके बाद इसको दोबारा थोड़ी देर स्टीम पे रखूंगी मैं। ये देखिए मैंने इसमें थोड़ी सी मेथी और ऐड की है, पहले भी की थी लेकिन अब दोबारा और ऐड की है। मेथी से कीमे का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, अगर आपने ट्राई नहीं किया तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस तरह आपको बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी। जी ये लास्ट में ऑलमोस्ट मेरा कीमा डन हो चुका है, ये मैंने थोड़ा सा जिंजर बचाया था वो मैं लास्ट में डाल रही हूँ। जिंजर डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालेंगे और बाद में इसको गार्निश कर लेंगे। खाना डन हो गया जी, माशाल्लाह से रेसिपी कंप्लीट। ये ज़ीरा पाउडर भी डाल दिया, ये देखें देखें लग रहा है ना बहुत मज़े का, रियल में वाकई बहुत मज़े का बना था, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इस तरीके से ज़रूर कीमा बनाएं और प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी रेसिपी लगी मेरी। उसके बाद जी ये फाइनल लुक इसकी, ये मैंने सलाद काट लिया साथ में, ये मैंने बॉल में डाल दिया, मेरे हस्बैंड आ गए थे खाना खाने के लिए। चलिए जी दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।